नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी के इन डिज़ाइन ग्रैब सीरीज़ के नौवे वीडियो में। और इस वीडियो में हम ग्रैब के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मॉडिफायर्स के बारे में सीखेंगे। इसमें आपको छः ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिनको मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहले में है केस इनसेंसिटिव, इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं हम। दूसरा है मल्टी लाइन, ये भी ऑन या ऑफ किया जा सकता है। और तीसरा है सिंगल लाइन। ठीक, तो जो सबसे पहला है वो है केस इनसेंसिटिव। तो इनसेंसिटिविटी का मतलब हुआ संवेदनशीलता, और ये केस के बारे में है, यानी अपर केस और लोअर केस। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे तो इस ग्रैप में अगर हम कोई भी टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं तो वो केस का ध्यान रखता है, यानी कि अगर हमने कोई टेक्स्ट अपर केस में लिखा है तो वो लोअर केस को सर्च नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमने यहाँ से कॉपी किया, और अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो वो इसे सर्च करेगा, लेकिन नेक्स्ट करते ही सर्च कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर केस थोड़ा अलग है। यहाँ पर अपर केस है और यहाँ पर लोअर केस। सेम तीसरी लाइन में ये लोअर केस है और चौथी लाइन में सभी लोअर केस हैं, और इसलिए इसने बस फर्स्ट वर्ड को ही सर्च किया। तो इसको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं, और इसके लिए यहाँ पर हम मॉडिफायर में केस इनसेंसिटिव ऑन कर देंगे। और अब अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो वो ये सर्च करेगा, इसको भी और इसको भी। तो ये हुआ केस इनसेंसिटिव ऑन करने का। और इसी में हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहें तो बीच में हम कहीं इसको ऑफ भी कर सकते हैं, और इस केस में यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक अपर केस में हो या लोअर केस में, वो सब कुछ सर्च करेगा, लेकिन इसके बाद केस का ध्यान रखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कर्सर यहाँ पर रखते हैं और फाइंड नेक्स्ट, तो ये पूरा सर्च हो गया। फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पर भी ये पूरा सर्च हो गया, जबकि यहाँ पर ये अपर केस में था। तो यहाँ पर वर्ड्स में केस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और ऐप में रखा जा रहा है, इसलिए ऐप का जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में ही होना चाहिए, जो कि अगले दो केसेस में नहीं है। और इस लिए अगर हम फाइंड नेक्स्ट बटन दबाते हैं तो सर्च कंप्लीट। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास मॉडिफायर है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल लाइन की, और उसके लिए इसको करते हैं डिलीट। और जैसा कि आप जानते हैं, एनी कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट, और उसके बाद जो रिपीट ऑप्शन है प्लस। ठीक, और इस केस में ये एंटर से पहले का सब कुछ सर्च कर लेगा। ठीक, ये इस केस में एंटर को छोड़ देता है, और उससे पहले जो भी कुछ एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर होगा वो सबको सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम सिंगल लाइन ऑन कर देते हैं तब क्या होगा, तो वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, सिंगल लाइन ऑन। और अब अगर हम इसे सर्च करेंगे तो इस केस में जहाँ भी हमारा कर्सर था वहाँ से लेकर ये एंड ऑफ द स्टोरी सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि सिंगल लाइन ऑन करने के बाद ये एंटर को भी सिलेक्ट करता है, और उस केस में ये कर्सर पॉइंट से लेकर एंड ऑफ द स्टोरी पूरा सर्च करेगा। इसको हम बीच में रोकना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कुछ और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गोल्ड, और उसके बाद डॉट के लिए बैक स्लैश डॉट।
अब अगर हम इसे सर्च करेंगे तो ये यहाँ तक रुकेगा, क्योंकि इसका जो लास्ट टेक्स्ट है वो है गोल्ड। और यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि मैं पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, उसका भी यहाँ पर ये ध्यान रखता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉन्गेस्ट पाथ को सर्च कर रहा है, क्योंकि इस गोल्ड से पहले भी एक गोल्ड यहाँ पर है। ठीक, तो ये था एग्ज़ाम्पल सिंगल लाइन का। और इसके बाद हमारे पास है मल्टी लाइन ऑन और ऑफ। तो इनका यूज़ लगभग बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास दूसरे मॉडिफायर्स हैं। तो जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं ये समझाना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है डॉट प्लस, ओके, और हम ये स्टार्ट करना चाहते हैं बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। ठीक, तो अब ये जो भी चीज़ सर्च करेगा वो पैराग्राफ के शुरू में ही शुरू से करेगा। ठीक, कर्सर कहीं भी रहेगा तो ये जो नेक्स्ट सर्च होगा वो बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ ही होगा। और इसको हम नेक्स्ट पेज में समझेंगे। कहीं भी कर्सर है तो ये बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, वहाँ से ये सर्च शुरू कर रहा है। और अगर मैं इससे पहले मल्टी लाइन को ऑफ कर दूं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी लाइन इसका ऑन रहता है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और इस केस में अब ये जो बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ था, ये बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी बन गया है। यानी कि अब जो भी चीज़ ये सर्च करेगा वो स्टोरी के स्टार्टिंग से सर्च करेगा। तो फाइंड नेक्स्ट, और इसने सर्च किया स्टोरी के स्टार्टिंग से। सेम बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ के अलावा हमारे पास एंड ऑफ द पैराग्राफ भी है। और ये हम डॉलर से डिनोट करते हैं। इस केस में ये जो भी चीज़ सर्च करता है वो पैराग्राफ के एंड से शुरू करता है। ठीक, यानी कि एंड ज़रूर होगा, जो कि मैं पिछले वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन अगर इस केस में हम मल्टी लाइन को ऑफ कर दें, तो ये जो एंड ऑफ द पैराग्राफ था ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑफ द स्टोरी में। और हमारा कर्सर यहाँ पर है, और मैं फाइंड नेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूँ, और ये स्टोरी के एंड से सेलेक्ट करना शुरू करेगा। तो मल्टी लाइन का यही एक यूज़ है कि जो बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ है उसको बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी कर देता है, और एंड ऑफ द पैराग्राफ को एंड ऑफ स्टोरी कर देता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्रैप में ज़्यादा यूज़ होता है, सिंपल ग्रैप में हम लगभग इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको बड़े ग्रैप बनाने होंगे तो इसका यूज़ ज़रूरी हो जाएगा। तो होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है, तो प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।